नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मेरे पास आप सभी स्टूडेंट के लिए एक अर्जेंट अनाउंसमेंट है। आप में से जो भी स्टूडेंट महाराष्ट्र के हो या महाराष्ट्र में एडमिशन लेना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के स्टेट के 85% स्टेट कोटा काउंसलिंग के बारे में और उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट महाराष्ट्र के हैं जिन्होंने ऑलरेडी SAAR पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवा के रखा था महाराष्ट्र के स्टेट के काउंसलिंग के लिए। वह सब अब कैंसिल हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन वापस एक दूसरे वेबसाइट पर करना होगा। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फीस पेमेंट आपने की थी वह फुल रिफंड आपको मिल जाएगा और आपको दूसरे वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं दूसरे वेबसाइट जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है महाराष्ट्र 2019 के काउंसलिंग के लिए। cetcell.net/ug_neet_2019। यह उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो महाराष्ट्र में एडमिशन लेना चाहते हैं MBBS और BDS कोर्स के लिए। तो ध्यान रखिए, पहले जो वेबसाइट थी जो महाराष्ट्र कैब और SAAR पोर्टल की थी, वह सब रजिस्ट्रेशन अब कैंसिल हो चुकी है। वहाँ पर जो है काउंसलिंग नहीं होने वाला। ये जो लेटेस्ट साइट है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है 22/6/2019 से और इसका लास्ट डेट है 26/6/2019, यानी दो दिन का समय अभी आपके पास है महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो इतना सा इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो, तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।